हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार का बुलबुल क्लास में है आपकी लिए प्रतिज्ञा। हम इसे पहले भी प्रॉमिस पढ़ चुके हैं, आपको मैम ने बताया था कि प्रॉमिस क्या होता है और उसको पूरा डिस्क्राइब भी किया था बहुत अच्छे से। ओके, तो वो इंग्लिश में था जो आपने याद किया, लेकिन हमें हिंदी में भी लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस, जो हमने पहले भी किया है प्रॉमिस। ओके, मैं प्रतिज्ञा बॉयज है तो करता और गर्ल्स है तो करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी। कब नियम कौन बोलेगा? बॉयज बोलेंगे कब नियम को मानूंगा, और जो हमारी बुलबुल यानी कि गर्ल्स है वो बोलेगी बुलबुल नियम को मानूंगी और प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करूंगी। ओके, तो मैम इसका पूरा एक ये दिया है यहाँ पे, आपको इसे लर्न करना है, साथ में कैसे आपको इसे बोलना है ये भी मैम बता रही है। तो जो हमारे बॉयज हैं कब है, जब आपसे कहा गया कि प्रतिज्ञा बोलिए या प्रॉमिस बोलिए, तो आपको करना क्या, अटेंशन में खड़े होना है और आपको ये साइन बनाना है। ओके, मैम ये साइन भी आपको बता चुकी है, ये बॉयज के लिए है। और जैसे ही हुआ प्रतिज्ञा शुरू, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, कब नियम को मानूंगा और प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करूंगा। ऑर्डर, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, जो इंग्लिश प्रॉमिस है वो भी आपको सेम ऐसे ही बोलना है। अब जो हमारी गर्ल्स हैं, बुलबुल हैं, उन्हें क्या करना है, जब आपसे बोला कि प्रतिज्ञा बोलिए या प्रॉमिस, तो आपको ये साइन बनाना है। ओके, डिफरेंट है दोनों में, बॉयज और गर्ल्स में। तो आपने ये साइन बनाया, जैसे बोला प्रतिज्ञा शुरू या प्रॉमिस स्टार्ट, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, बुलबुल नियम को मानूंगी और प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करूंगी। ऑर्डर, ठीक है, राइट हैंड से करना है ये, आपको साइन बनाना है बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड है कर्तव्य। तो जब हम बोलते हैं, हम याद करते हैं, तो हम इसे कर्तव्य कर देते हैं, तो कर्तव्य वर्ड यूज नहीं करना है, अपने कर्तव्य। ठीक है, इसे आप 10 times कम से कम रिपीट कीजिएगा, कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी। तो मैम ने दोनों को बताया, कब और बुलबुल को कैसे रीड करना है, किस प्रकार आपको लर्न करना है, आप इसे कीजिए। आपने इंग्लिश में कर लिया है, वेरी गुड, अब हिंदी में कीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर हैं या टीचर्स हैं वो आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो हमें दोनों ही लैंग्वेजेस में याद होना चाहिए। ओके, तो इसे आप दिस वीक लर्न कीजिए। अब एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, आज ज्यादा पढ़ाई नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई, एक सॉन्ग करेंगे, करेंगे आप लोग? तो जो सॉन्ग है हमारा वो एक्शन सॉन्ग है। तो हमारे जो कब बुलबुल हैं एक्शन सॉन्ग बहुत पसंद करते हैं और करते भी हैं। तो ये जो एक्शन सॉन्ग है वो हमारा भारत से रिलेटेड है। ठीक है, जो सैनिक हैं वो किस प्रकार करते हैं, तो एक्शन करना है साथ में और इन्जॉय करना है। ओके, तो जब हम आमने सामने होते हैं तो एक लाइन मैम बोलती है, फिर आप उसे रिपीट करते हैं एनर्जी के साथ, बट अभी हम आमने सामने नहीं है, तो पूरा सॉन्ग आप लर्न कीजिए और उसे इन्जॉय कीजिए। ओके, चलिए मैम बोल रही हैं, आप रिपीट करना। ओके, ठीक है। गोली दन 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 हो गई शुरू की गोली, दन 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 हो गई शुरू, भारत माँ के लाल गर्जे शेर गबेरू, भारत माँ के लाल गर्जे शेर गबेरू की गोली, दन 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 हो गई शुरू की गोली, दन 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 हो गई शुरू, भारत माँ के लाल गर्जे शेर गबरू। याद करना है। ओके, अबे पहला पैरा, ठीक है, खड़ा चीर दो खीरे जैसा, खड़ा चीर दो खीरे जैसा, मूली जैसा काटोरे, खड़ा चीर दो खीरे जैसा, मूली जैसा काटोरे, और निचोड़ो ऐसे, और निचोड़ो ऐसे जैसे निपुतिया निचोड़ गए, क्योंकि गोली दन 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 हो गई शुरू की गोली, दन 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 हो गई शुरू, भारत माँ के लाल गर्जे शेर गबरू, भारत माँ के लाल गर्जे शेर गबरू। तो इस वीक के लिए इतना ही सॉन्ग, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैम इसकी और कड़ी आपको बताएंगी, और ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आपको एनर्जी देगा,
कि जो हमारे आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, वो किस प्रकार से हमारे देश की सेवा करते हैं, तो आप उसे फील कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।